हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जो क्रिटिकल मशीन्स होती है जैसे एयर कंप्रेसर या डीजल जनरेटर, इनके अंदर इंटरनली एक सिस्टम होता है जो कि उनके रनिंग आवर्स को काउंट करता रहता है, मतलब रनिंग आवर्स को मॉनिटर करता है, और उस रनिंग आवर्स के अकॉर्डिंग मशीन में मेंटेनेंस का अलार्म आता है। जैसे कि कोई एयर कंप्रेसर है, उसमें 4000 रनिंग आवर्स के बाद हमें ऑयल सेपरेटर बदलना होता है, तो एयर कंप्रेसर पर एक अलार्म आता है कि 4000 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब इसके सर्विस का टाइम हो गया है। ठीक है, इसी तरह से डीजल जनरेटर के अंदर भी हम रनिंग आवर्स को मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी पीरियोडिक सर्विस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यदि कोई क्रिटिकल मशीन जो कि पीएलसी बेस्ड है, उस मशीन का हमें कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस करना है, जैसे किसी मोटर का हमें बैरिंग बदलना है, जैसे 4000 घंटे के बाद या 2000 घंटे के बाद या 1000 घंटे के बाद हमें उस मोटर का बैरिंग बदलना है, या उस मशीन के रनिंग आवर्स को हम कैसे मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि हम उसमें एक अलग से एडिशनल आवर्स मीटर लगा दें और उस रनिंग आवर्स के अकॉर्डिंग हम मशीन का पीरियोडिक मेंटेनेंस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम पीएलसी प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आवर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग में आवर्स को मॉनिटर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है HOUR, जो कि आवर्स मीटर होता है एक तरह से। इसके अंदर एक सोर्स होता है और दो डेस्टिनेशन होते हैं। यहाँ पर देखिए, D1 और D2 का मतलब डाटा रजिस्टर नहीं है, डेस्टिनेशन 1 और डेस्टिनेशन 2 है। जो सोर्स होता है, इस सोर्स के अंदर हमें कितने आवर्स के बाद अलार्म जनरेट करवाना है उसकी वैल्यू को डाला जाता है। ठीक है, यदि हमें 1000 घंटे के बाद कुछ मशीन का पार्ट चेंज करना है, तो हमें जो सोर्स है उसके अंदर 1000 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जो डेस्टिनेशन 1 है, इस डेस्टिनेशन 1 के अंदर करेंट टाइम आता है, मतलब टोटल कितने रनिंग आवर्स हुए हैं। ठीक है, और ये दो डाटा रजिस्टर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, यदि हम D10 डाटा रजिस्टर आवर्स को मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो D10 के बाद ऑटोमेटिकली D11 को भी ये रिजर्व कर लेगा। ठीक है, अब देखिए, जो डेस्टिनेशन 2 है, इसके अंदर आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब कोई मेमोरी बिट या कोई फिजिकल आउटपुट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देखते हैं आवर्स मीटर किस तरह से काम करता है और किसी क्रिटिकल मशीन के पीरियोडिक मेंटेनेंस में इस इंस्ट्रक्शन का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई एक इनपुट है X0, इससे हम किसी आउटपुट को ऑन कराते हैं Y0, आउट Y0। ठीक है, ये जो Y0 आउटपुट है, ये मशीन की मेन मोटर का। ठीक है, हमें इसी मोटर या इसी आउटपुट के रनिंग आवर्स को मॉनिटर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क ऐड करेंगे, हम लिखेंगे LDY0, और Y0 से हमें मॉनिटर करना है, देखिए, आवर्स, HOUR, HOUR। ठीक है, ये आवर्स मीटर की तरह काम करता है। यदि हमें 1000 घंटे के बाद या 100 घंटे के बाद कोई अलार्म जनरेट करवाना है, हम मान लेते हैं 1000 घंटे। ठीक है, 1000 घंटे के बाद ये आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, डालना है तो करेंट टाइम हमें किस डाटा रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है, तो हम मान लेते हैं D10। ठीक है, तो D10 के बाद D11 को भी ये रिजर्व कर लेगा, और D2 मतलब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हम मान लेते हैं Y10। Y10 एक आउटपुट है, यदि 1000 घंटे कंप्लीट होते हैं तो Y10 ऑन हो जाएगा, और Y10 से हम बजर, अलार्म कुछ भी ऑन करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इसका जो 1000 घंटे का टाइम था, जो मेंटेनेंस टाइम था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं, उसके बाद डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन मोड। इस प्रोग्राम को एक बार यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रोग्राम रन हो चुका है। एक बार यहाँ पर मॉनिटर टेबल के अंदर मैं एक डाटा रजिस्टर भी ऐड कर देता हूँ। देखिए, हमने D10 यूज़ किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर D10 और D11, D10 के अंदर आवर्स आने वाले हैं और D11 के अंदर सेकंड आएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जो एक्चुअल टाइम है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि अभी ये आउटपुट ऑन नहीं है, मतलब ये मोटर ऑन नहीं है। ठीक है, देखिए, मैं X0 को ऑन करता हूँ। X0 को ऑन करने का मतलब मोटर को ऑन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही X0 को ऑन करता हूँ, Y0 ऑन होता है, और Y0 के ऑन होने के बाद D11 के अंदर सेकंड चलते हैं। ये टोटल 3600, मतलब 3600 सेकंड कंप्लीट होने के बाद 1 आवर होता है। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं X0 को ऑफ कर देता हूँ, ये X0 को ऑफ कर दिया, तो ये जो आवर्स, मतलब जितने सेकंड काउंट हुए थे, ये यहाँ पर स्टोर हैं। ठीक है, फिर से यदि X0 को ऑन करता हूँ, तो ये सेकंड फिर से चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 1000 घंटे का टाइम लिया हुआ है, हम 1000 घंटे का वेट तो नहीं कर सकते। तो एक बार देखिए, मैं इसका फिजिकली टाइम चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं टाइम डालता हूँ 999, 999, मतलब 999 घंटे।
उसके बाद जो ये सेकंड है इसमें मैं 3600 की बजाय कुछ 10 या 20 सेकंड कम डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 3590, ठीक है। तो मतलब 10 सेकंड के बाद टोटल 1000 घंटे होने वाले हैं। तो ये जैसे ही 3600 कंप्लीट होंगे Y10 ऑन होगा, देखिए 97, 98, 99। और ये देखो जैसे ही 36 जैसे ही 1000 मतलब 1000 घंटे कंप्लीट हुए, इसने Y10 को ऑन कर दिया। Y10 के थ्रू हमने किसी बजर या किसी अलार्म को ऑन कर दिया है, या इस Y10 के थ्रू हम HMI पर कोई अलार्म जनरेट करवा सकते हैं कि अभी इस मशीन का पीरियोडिक मेंटेनेंस का टाइम हो चुका है, कृपया इसका मेंटेनेंस करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यदि मैं PLC को स्टॉप करता हूँ, ठीक है, ये देखिए X0 को पहले ऑफ करता हूँ एक बार, जैसे ही X0 को ऑफ करता हूँ जो यहाँ पर रनिंग आवर्स था वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। लेकिन यदि PLC को स्टॉप कर देता हूँ, PLC को स्टॉप करने का मतलब यदि पावर कट ऑफ होती है, ठीक है। तो देखिए एक बार ये पावर को कट ऑफ करता हूँ तो ये जो डाटा रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी मतलब आवर्स की जो वैल्यू थी वो रीसेट हो गई है। लेकिन हमें ऐसा प्रोग्राम करना है कि यदि पावर कट ऑफ भी होती है तो इसका जो आवर्स टाइम है जो रनिंग टाइम है वो रीसेट नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग डाटा रजिस्टर यूज़ करेंगे। दूसरा ये कि यदि 1000 आवर्स के बाद हम मशीन का मेंटेनेंस कर देते हैं तो उसके आवर्स को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, मतलब आवर्स को रीसेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो देखिए, सबसे पहले हम ऑफलाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए लैच डाटा रजिस्टर कौन कौन से हैं, एक बार मैं इसे जूम करके दिखा। देखिए जो लैच डाटा रजिस्टर होते हैं इन्हें हम रिटेंटिव डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं। D408 से लेकर D599 मतलब टोटल 192 डाटा रजिस्टर जो कि डेल्टा की SV2 PLC में रिटेंटिव होते हैं, ठीक है। हर PLC के मॉडल के अकॉर्डिंग ये डाटा रजिस्टर चेंज हो जाते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले उस PLC का मैनुअल ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 408 से लेकर 599 तक जो भी डाटा रजिस्टर यूज़ करेंगे वो PLC को स्टॉप होने के बाद उस वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, रीसेट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए D408 से 599 हम यहाँ पर D450 यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डाटा रजिस्टर हम 408 से लेकर 599 के बीच में यूज़ कर सकते हैं। मैं भी D450 यूज़ कर रहा हूँ। तो 451 के अंदर सेकंड रहेंगे और 450 के अंदर आवर्स रहेंगे जो कि रिटेंटिव रहेंगे, ठीक है। दूसरा डाउट ये था कि आवर्स कंप्लीट होने के बाद हम इसकी वैल्यू को रीसेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक नेटवर्क ऐड करेंगे। हम कोई एक इनपुट यूज़ कर सकते हैं, X10 अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ। X10 को प्रेस करने के बाद हम डाटा रजिस्टर D440 के अंदर ज़ीरो मूव करा देंगे। वो कैसे कराएंगे देखिए, मूव ज़ीरो इन D440, ठीक है। D450 के अंदर हम ज़ीरो मूव करा देंगे, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड को भी हमें ज़ीरो कराना है तो हमें लिखना है मूव ज़ीरो इन D451, ठीक है। तो D450 और 451 दोनों के अंदर ज़ीरो मूव हो जाएगा जब हम X10 को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसे ऑनलाइन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये रिटेंटिव डाटा रजिस्टर सही काम करते हैं या नहीं, और दूसरा ये कि इस इनपुट से ये रीसेट होते हैं या नहीं, ठीक है। एक बार कंपाइल द प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर D10 और D11 डाटा रजिस्टर मैंने यूज़ करे थे, अभी हमें D450 और D451, ठीक है, दो डाटा रजिस्टर यूज़ करना पड़ेंगे। देखिए अब मैं एक बार X0 को प्रेस करता हूँ, जैसे ही X0 को ऑन करते हैं Y0 ऑन हो जाता है, और Y0 ऑन होने के साथ साथ D451 के अंदर सेकंड चालू होते हैं, और जैसे ही X0 को ऑफ करता हूँ ये सेकंड यहाँ पर रुक जाते हैं। अब देखिए यदि मैं PLC को स्टॉप करता हूँ मतलब PLC की पावर को कट ऑफ करता हूँ, तो जैसे ही PLC की पावर कट ऑफ होती है D10 और D11 जो मैंने यूज़ करे थे उसकी जो वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। लेकिन देखिए D450 और 451 के अंदर जो वैल्यू है वो अभी ज़ीरो नहीं हुई है, मतलब रीसेट नहीं हुई है, PLC अभी स्टॉप मोड में। देखिए यदि मैं एक बार इसे ऑफलाइन करता हूँ, ऑफलाइन करने के बाद भी इसकी जो वैल्यू है वो रिटेंटिव रहती है, फिर यदि ऑनलाइन करता हूँ तो जो वैल्यू है वही रहेगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें रीसेट करना है। तो देखिए पहले मैं एक बार इसको रन कर देता हूँ, उसके बाद X10 को प्रेस करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही X10 को प्रेस करूँगा इसकी वैल्यू रीसेट हो जाएगी। देखिए ये X10 को मैंने ऑन किया तो ये 0450 के अंदर मूव हुआ और ये 0451 के अंदर मूव हुआ, तो अभी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। तो यदि हमें इस आवर्स मीटर को रीसेट करना है तो इस तरह से हम ज़ीरो मूव करा के इसको रीसेट कर सकते हैं।
और किसी भी क्रिटिकल मशीन का पीरियोडिक मेंटेनेंस हम आसानी से कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन जो कि मशीन के रनिंग आवर्स को मॉनिटर करता है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।